करते हैं शुरू। तो आज जो है मुर्गियों का जो खुड्डा है उसको साफ करना है, क्योंकि 2 दिन बाद साफ करना पड़ता है। अगर नहीं साफ करेंगे तो वो जो मुर्गियां हैं वो बीमार हो जाएंगी। तो अभी मैं आया हूँ छत पे, तो चलते हैं खुड्डा साफ करने। देखे खुड्डे के पास जो है काफी ज्यादा गंद पड़ा हुआ है और अंदर भी गंद है, तो अभी इनको निकालते हैं बाहर। तो खोल देंगे बाहर, चलो बाहर जो ये सारे आ गए बाहर। तो अभी इनको फीड डालते हैं, वो देखे सारे उधर भाग गए हैं, वहाँ पे जाके पालक खाना शुरू हो गया है, काल की पड़ी हुई है, फिर आ गए हैं। अब इनको डालता हूँ फीड। तो अबू ने अभी कहा है कि इनको फीड नहीं डालनी, इनको वो जो रोटियों के भोरे होते हैं बचे हुए वो डाले हैं। तो अभी मैं भोरे लेके आता हूँ। ये मैं भोरे ले आया हूँ, ये आप भोरे इनको डालेंगे। और आज थोड़ी अब धूप निकल आई है, पहले जो है सर्दी थी। ये आप भोरे खाना शुरू हो गया, अभी हम करते हैं इतनी देर तक खुड्डा साफ करने के लिए। अभी मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ और मास्क पहन के आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैं अभी कपड़े बदल के आ गया हूँ, तो अब अंदर चलते हैं। खुड्डे में मास्क भी पहनना ज़रूरी है, अंदर हमने दूरी डाली है वो उड़ती है, तो इसलिए मास्क पहन के जाना चाहिए अंदर। तो अभी मैं जाता हूँ अंदर, झाड़ू ले के, गलता भी ले के। मैं अब अंदर आ गया हूँ, तो अब सफाई करना शुरू करते हैं। ये अब थोड़ी थोड़ी जमा हो गया, इकट्ठी कर लिया, अब इसको छापर में डाल लेते हैं। आधी ये जो है गंदी तूड़ी निकाल के फिर हम नई तूड़ी ले गए हैं, उसको डालेंगे साफ। खुड्डा जो है एक तरफ से हो गया साफ, तो आप दूसरी तरफ से करेंगे साफ। और जितना बेल जैसे उठाया जाता है वो डालिए छापर में, बाकी हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर से उठा लेंगे। ये आप कचरा जो है बाहर निकाल लिया, अब बाहर से सफाई करके फिर नई तूड़ी जो है वो डालेंगे। तो आप पहले बाहर से सफाई कर लेते हैं। ये जो मिट्टी है इसको सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जो है चूहे आके खेलते हैं। तो अब ये खुड्डा जो है वो साफ हो गया अंदर बाहर से, तो ये जो कचरा इसको गिरा लगा लेंगे, तो फिर बाहर फेंक आएंगे। तो इधर रख लेते हैं।
तो अब जो है अंदर जो है नई तूड़ी जो है उसको अंदर डालेंगे। तो मैं अभी लेकर आता हूँ नई तूड़ी। तो ये मैं अब तूड़ी ले आया हूँ, इसको अंदर फुला देंगे। तो मैं दोबारा से अंदर आ गया हूँ, तो आप इसको तूड़ी को फुलाते हैं। तूड़ी जो है इनको डालना जरूरी है क्योंकि इनको गर्माइश मिले, और बल्ब भी हमने इसलिए लगाया था कि इनको गर्माइश मिले। अब आ गई है सर्दियाँ इसलिए। तो मैंने अब तूड़ी जो है वो फिला लिया। अब ये तूड़ी बच गई, ये नेक्स्ट टाइम दोबारा डाल लेंगे। तभी मैं आता हूँ बाहर। तो मैं आ गया बाहर, तो अब जो है खुड्डा हो गया साफ। तो फिर आप भी देखते रहिएगा आगे क्या करना है। मछली लेके आए थे शाम को, तो उसको मसाला लगा के फ्रीज़र कर दिया था। तो अब फ्राई करने से एक घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल के फ्राई करेंगे। तो अभी जो है आपको जो जिसमें पकानी है कढ़ाई में, वो कर रहे हैं साफ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं मछली का मसाला आपको बताऊँ कौन सा लगाया हमने, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अगली वीडियो में इसका मसाला और वगैरह बता दूँगा कि क्या डाला हमने इसमें। तो बाकी अभी कढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो रही है, तो फिर पकाएंगे मछली। जो है हमने चूल्हे पे रख लिया है, पर यहाँ पे नहीं पकानी मछली क्योंकि यहाँ पे जो है सेट नहीं हो रहा, हिल रही है कढ़ाई। तो ऊपर जाके अपने चूल्हे पे जो है उस पर पकाएंगे मछली। तो अभी जो है भाई की तबीयत जो है ख़राब है, थोड़ी नज़ला ज़ुकाम हुआ है,
तो वो कह रहे हैं जसाना बना दो, तो जसाना लेने जा रहा हूँ मैं अभी, फिर पकाएंगे मछली। अभी आ गए बाहर पर, जो है खान सुपर स्टोर वो बंद है, तो इसलिए आगे जाना पड़ना है आगे वाली शॉप पे। तो मैं आपको रास्ता नहीं दिखाता, तो सीधा जाके आपको शॉप पे मिलता हूँ। तो देखे सामने जो है वो शॉप है, वहाँ से जसांदा लेके चलते हैं वापस, तो मैं जसांदा लेके आता हूँ। अभी ले आए हो करशी जामन शीरी वाला जसांदा, तो इसको जाके पकाते हैं घर। तो अभी इधर एक गाड़ी खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, होंडा सिविक। तो आई एम होंडा सिविक लवर। हमें रास्ते में जो है होंडा सिविक मिल गया है, ये 5 मॉडल है, आगे पीछे इसकी वीडियो बना लेते हैं। तो अगले ने बॉडी किट लगवाई हुई है, ये उसने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की हुई है, आगे ग्रिल भी लगाई है इसने, चेंज किया है। तो अभी चलते हैं घर। घर के अंदर तो आपको मैंने रास्ता नहीं दिखाया, सिर्फ होंडा सिविक ही दिखाई है। आप सोच रहे रास्ता क्यों नहीं दिखाया, रास्ता क्या दिखाना है, आप बोर हो जाओगे। तो अभी चलते हैं ऊपर, जसांदा पकाते हैं ऊपर किचन में। किचन में मैंने एक कप ये वाला जो है इसका पानी लिया है, और ये जसांदा है। जसांदा बनाना तो आपको आता ही होगा, पानी हम रखेंगे चूल्हे पे, तो फिर ये जब गर्म हो जाएगा फिर कप में डालेंगे, कप में फिर जसांदा डाल के मिक्स हो जाएगा। तो जसांदा बना के मैं आपको मिलता हूँ। ये जसांदा बना के मैं आ गया नीचे, आप ये भाई को देने चलते हैं, तो वहाँ जाके मैं आपको मिलता हूँ भाई की दुकान पे जाके। अपने भाई को जो है जसांदा दे आए हो, तो मैं आपको अपने भाई की दुकान नहीं दिखा सका अभी, तो उधर कस्टमर आए थे इसलिए भाई फारिग भी थे, तो मैं जसांदा दे आया हूँ। के बड़ी मज़ेदार बन गया है, मैं तो अब लगा हूँ इसे खाने। तो आज का ब्लॉग यहाँ ही ख़त्म करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।